एक सफेद बाल तोड़ने से उसकी जगह पर दो निकल आते हैं, बालों को ट्रिम करने से बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो ज्यादा होने लग जाती है, और बालों को ठंडे पानी से वॉश करने से बालों में शाइन वापस आती है। तो ये सारी चीजें तो आपने अब तक सुनी ही होंगी ना, मतलब बचपन से लेकर अब तक हम यही सब सुनते हुए आए हैं कि हाँ सफेद बाल आप एक तोड़ोगे तो उसकी जगह पर दो निकल आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में ये शेयर करने वाली हूँ कि ये सारी चीजें एक्चुअल में राइट है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। और हाँ, आपको जो मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगी ना, उससे तो आप सुन के बिल्कुल शॉक होने वाले हो, तो वीडियो को आपको देखना है एंड तक। तो हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर में। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन से ये मिथ है या फिर एक्चुअल में ये राइट है। हाँ जी, तो फर्स्ट यहाँ पे है कि आपके बालों को ट्रिम करने से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आप खुद ही सोचो यार, लॉजिक कहाँ पे है? मतलब आप बालों को ट्रिम करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? आप बालों को ट्रिम करते हो हमेशा एंड से करते हो, मीन्स कि आपके बालों की जो भी आप ट्रिमिंग करोगे, स्प्लिट एंड्स निकालोगे, वो सारे एंड के निकालोगे। तो और जो बालों की जो ग्रोथ होती है वो हमारी होती है टॉप से, यानी कि रूट से। क्योंकि अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है तो आपके बाल काफी ज्यादा फ्रीजी लगते हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती उनमें। तो उनको ट्रिम करने से आपको सिर्फ ये हेल्प मिलती है कि आपके स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। इसका जो मेन आंसर है तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि आपके बाल ज्यादा ग्रो होने लग जाते हैं ट्रिमिंग करने से। तो ये एक फॉल्स है, बिल्कुल कोई इसका लॉजिक नहीं बनता है। तो अगली बार से अगर आपसे कोई भी कहे कि ट्रिमिंग करा लो आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो आपको पता है कि आपको क्या कहना है। हाँ जी, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको, आप अगर बालों को रेगुलरली वॉश करते हो तो उसका जो जो भी नेचुरल ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आप इसमें लॉजिक ढूंढो, मतलब अगर आप बालों को वॉश करोगे रेगुलरली उसका सारा नेचुरल ऑयल निकल जाएगा, जो भी ऑयल हमारे सर में होता है नेचुरल वाला। तो ये बिल्कुल एक फॉल्स है गाइस, क्योंकि रीजन है मेरे पास। जस्ट लाइक आप इमेजिन करो कि आपके, इमेजिन क्या करोगे, होता ही ऐसा कि आप अगर आप फेस पे जो भी डर्ट वगैरह होती है, पॉल्यूशन वगैरह होती है, वो सारा निकालने के लिए क्या करते हो, आप फेस वॉश करते हो, राइट? ऐसे ही सेम हमारी डर्ट और पोल्यूशन जो होता है हमारे हेयर्स में भी जमा हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसको भी रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप हेयर वॉश करोगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो भी हेयर वॉश करते हो रेगुलरली तो उससे आपका जो भी नेचुरल ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। तो ये बिल्कुल एक फॉल्स है, ये भी एक मिथ है बिल्कुल। बस हाँ, आपको एक इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रहे हो वो बिल्कुल केमिकल फ्री हो, पैराबिन फ्री हो और आपके हेयर टाइप्स के अकॉर्डिंग हो। हाँ जी, यहाँ पे जो आता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट यही वाला है कि एक सफेद बाल तोड़ने से उसकी जगह पर दो निकल आएंगे। बचपन से आज तक हमने बहुत बार ये लाइन सुनी होगी, हर किसी के मुंह से सुनी होगी, और इस डर की वजह से हम कोई भी हेयर नहीं तोड़ते हैं और तोड़ना भी नहीं चाहिए उसको। लेकिन उसका एक अलग सॉल्यूशन है, तो अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये मिथ है या फिर वाकई में ऐसा होता है कि अगर एक बाल आप सफेद तोड़ोगे उसकी जगह पर दो निकलेंगे। गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल फॉल्स है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर एक सफेद बाल तोड़ोगे तो उसकी जगह पर दो निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आप एक सफेद बाल निकालते हो तो उसकी जगह पर नेक्स्ट टाइम पे भी व्हाइट हेयर ही निकलेगा, क्योंकि आपके जो स्कैल्प के अंदर से होता है ना वो आपको निकल आता है, वो व्हाइट हेयर ही निकलता है। तो उससे बेटर आपकी आप प्लकिंग नहीं करनी है, उससे बेटर आप कोई हेयर कलर कर सकते हो, डाई कर सकते हो अपने हेयर्स में। बहुत सारे नेचुरल कलर भी आते हैं आजकल मार्केट में, तो आप इजिली घर पर भी कर सकते हो उनको, मतलब ऐसे तोड़ने की बजाय आप कलर कर सकते हो पूरे हेयर्स में। तो इसकी जो रियलिटी है वो बिल्कुल फॉल्स है। अगली बार से कोई भी आपको बोले ना कि एक सफेद बाल तोड़ने से दो निकलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्कैल्प में से एक ही बाल निकल सकता है, दो बाल नहीं निकल सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आपसे ये बोले तो ये बिल्कुल एक मिथ है, और उनको भी क्लियर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आपको दो बार अगर आप शैम्पू करते हो, यानी कि डबल शैम्पू करते हो, तो आपकी जो भी डर्ट एंड पोल्यूशन होती है वो अच्छे से निकल जाती है, रिपीटेड मतलब आप शैम्पू करते हो। इसकी जो रियलिटी है बहुत से लोग सुना भी होगा आपने कि दो बार शैम्पू करो अगर बालों से डर्ट वगैरह नहीं निकल रही है, लेकिन इसका जो रियलिटी है ये एक मिथ ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आप ये खुद इमेजिन करो कि आप डबल बैक टू बैक आप ब्रश करते हो क्या अपने टीथ को, मतलब एक बार कर लिया फिर दोबारा से आप करते हो क्या? नहीं ना। तो यही वाला लॉजिक हमारे हेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है कि आप बैक टू बैक शैम्पू क्यों करोगे, मतलब जब एक बारी में आपका जो भी डर्ट एंड पॉल्यूशन होता है वो सारा कुछ निकल ही जाता है, तो बैक टू बैक आपको शैम्पू करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। बट हाँ, वो केस में अलग है कि अगर आपने एक रात पहले ऑयलिंग करी हो अपने हेयर्स में और ऑयल पूरी अच्छे तरीके से नहीं निकल पाता, तो उस केस में आप डबल शैम्पू कर सकते हो। अदरवाइज आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है डबल शैम्पू करने की। आई होप कि आप लोगों को ये सारे मिथ्स जो होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। और आगे से आपको भी कोई ये सब बोलता है ना, उनके मिथ भी क्लियर कर देना कि एक्चुअल में वो राइट है या फिर नहीं है। राइट गाइज, तो आज की वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल रही हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना स्टाइल विद साइबा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर देना यार। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ पास ही में एक बेल आइकन होगा उसको तो हिट जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।